यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और उसके सहयोगी देश प्रस्ताव लेके आए। इस प्रस्ताव के खिलाफ रूस ने वीटो कर दिया, जबकि 11 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। वहीं भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये वीटो क्या है और भारत ने यूएनएससी में इस प्रस्ताव पर वोटिंग क्यों नहीं की, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। सबसे पहले बात करते हैं यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। यूएनएससी यूएन की एक शक्तिशाली संस्था है और इसका दायित्व है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना। कौन करता है इसका प्रतिनिधित्व, इस बारे में इसका एक नियम तय है। हर महीने इसकी सुरक्षा संस्था की अध्यक्षता अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बदलती रहती है और संयोग से इस बार ये जिम्मा रूस को मिला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले यूएनएससी में कुल 15 मेंबर्स हैं। इसमें 5 देशों की स्थायी सदस्यता है तो बाकी 10 देश अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी देशों की लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के नाम शामिल हैं और अगर किसी मुद्दे पर कोई फैसला लिया जाता है तो इन 5 देशों की रजामंदी ज़रूरी होती है। अगर इनमें से कोई भी देश राजी नहीं हुआ तो उस मुद्दे पर फैसला नहीं लिया जा सकता, यानी ये देश अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वीटो पावर है। यूक्रेन मसले पर यूएनएससी में रूस के खिलाफ अमेरिका की तरफ से निंदा प्रस्ताव लाया गया, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रामक बर्ताव की कड़ी शब्दों में निंदा की जाए और यूक्रेन से तत्काल और बिना शर्त बलों को वापस बुलाने की मांग रखी गई थी। इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान हुआ। 11 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने इसकी वोटिंग से दूरी बनाई तो वहीं रूस ने इस प्रस्ताव पर वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया। रूस के पास वीटो पावर था, लिहाजा वो इसका इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि भारत ने इसमें मतदान से दूरी क्यों बनाई। इसे लेकर भारत के राजदूत TS तिरुमूर्त ने कई कारण बताए हैं। उन्होंने जो बयान जारी किया उसके मुताबिक यूक्रेन में जारी हिंसा पर अफसोस जताया और इसे रोकने का आह्वान किया। भारत का ये रुख काफ़ी अहम है। रूस भारत का पुराना दोस्त है और अमेरिका से भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं। तिरुमूर्त ने ट्वीट कर बताया कि भारत का मानना है कि बातचीत ही किसी मसले के समाधान तक पहुंचने और विवादों को सुलझाने का एक रास्ता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रूस के हमले से हुई तबाही से भारत चिंतित है। भारत को अफसोस है कि कूटनीति का रास्ता बहुत जल्द छोड़ दिया गया है। भारतीय दूत ने कहा कि हम आग्रह करते हैं कि हिंसा और दुश्मनी को तुरंत खत्म करने के लिए सभी कोशिशें की जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि इंसान की जान की कीमत पर कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए तिरुमूर्त ने कहा कि रूस और यूक्रेन से भारत कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील कर रहा है। वहीं भारत के अलावा चीन ने भी इस मतदान से दूरी बनाई। इसे लेकर चीन के दूत झान जुंग ने कहा कि एक देश की सुरक्षा दूसरे देशों की सुरक्षा को कम करने की कीमत पर नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सभी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो कुल मिलाकर रूस यूक्रेन मसले पर अमेरिका का यह प्रस्ताव काम नहीं आया। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।